दोस्तों नमस्कार, मैं यशवंत निर्वाण, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। साल 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच आईपीएल का एक मैच खेला गया था। इस टी20 मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सुरेश रैना ने बेहतरीन पारी खेली थी। इस टी20 मैच में सुरेश रैना क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से बाल बाल चूक गए थे। जी हाँ, इस टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। वीरेंद्र सहवाग ने इस मैच में मात्र 58 गेंदों का सामना करके 122 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 12 शानदार चौके और 8 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। वीरेंद्र सहवाग की इस पारी की मदद से किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए थे। किंग्स इलेवन पंजाब द्वारा दिए गए इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने आई चेन्नई सुपर किंग्स टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी और चेन्नई का पहला विकेट मात्र 1 रन पर ही गिर गया था, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने सुरेश रैना ने टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे तूफानी पारियों में से एक पारी खेली। जी हां, सुरेश रैना ने इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब की गेंदबाजों की गेंदों में जमकर चौके और छक्के लगाए। सुरेश रैना जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो तब ऐसा लग रहा था कि सुरेश रैना क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगा देंगे, लेकिन सुरेश रैना इस मैच में मात्र 25 गेंदों में 87 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अपनी इस पारी के दौरान सुरेश रैना ने 12 चौके और 6 छक्के लगाए। सुरेश रैना की इस तूफानी पारी के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मैच में 20 ओवर में 202 रन ही बना पाई और किंग्स इलेवन पंजाब ने यह मुकाबला 24 रनों से जीत लिया। लेकिन उस समय जो सुरेश रैना ने जो पारी खेली थी 25 गेंदों में 87 रन की, वो बहुत ही बेहतरीन पारी थी और क्रिकेट जगत के सभी दर्शकों का दिल छू लिया था। लेकिन आपको कैसी लगी थी वो सुरेश रैना की पारी, कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत से रिलेटेड ऐसी शानदार खबरों के लिए अभी हमारे चैनल एक्सप्रेस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।